उत्पत्ति अध्याय 21 सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कह रही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा इसलिए कि वह तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेर्शेवा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह तो पारान नाम जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, सो अब मुझसे यहां इस विषय में परमेश्वर की क्रिया खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। इब्राहिम ने कहा मैं क्रिया खाऊंगा, और इब्राहिम ने अबीमलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमलेक के दासों ने बरियाई से ले लिया था उलहना दिया। तब अबीमलेक ने कहा मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब इब्राहिम ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमलेक को दे दिए, और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी, और
इब्राहिम ने भेड़ की सात बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन सात बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन सात बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआ खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में क्रिया खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए, और इब्राहिम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया, और वहां यहोवा जो सनातन परमेश्वर है उससे प्रार्थना की, और इब्राहिम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा।